तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और इधर हमारे साथ हैं गोविंद जी, ठीक है। तो आज दोस्तों हम जा रहे हैं, हर बार की तरह नहीं, इस बार कुछ नया जगह पे जा रहे हैं। हर बार तो हम अपना मार्केट जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग जा रहे हैं फॉरबिसगंज, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी में है। क्या गोविंद जी? हाँ, 25 के आसपास। 25 के आसपास एवरेज। और वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने के लिए जा रहे हैं, कौन आ रहा है, सारा चीज़ आपको इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा। बस आपको एक काम करना है, इस ब्लॉग को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। और थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि हमारे एक सर हैं जो कि आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया है फॉरबिसगंज, तो वहीं हम जा रहे हैं, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेना है, हमको रिसीव करना है। तो चलिए आप लोग एकदम ब्लॉग पे बने रहिए, कंटिन्यू। क्या गोविंद जी? हाँ, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, मतलब जरूर देखें एंड तक। यार अच्छा से बोलो, बूढ़े की तरह क्या बोल रहे हैं पब्लिक को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गाइस, तो चलते हैं। तो गाइज इधर देखिए हमारे गोविंद जी, क्या हीरो वाला लुक। उधर से एक गाड़ी जा रहा था ना अभी आगे से, मतलब काफ़ी ज़्यादा धूला मिट्टी उड़ाते हुए जा रहा था, इसलिए सोचे हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं। वो भी क्या मिली है कि रोक लेते गाड़ी। क्या बोला गोविंद? वो भी आइडिया मिली है, थोड़ा गाड़ी रोक लेते हैं, नहीं तो धूल माटी पूरा शरीर गंदा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जाइए कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता क्लियर है। चले हाँ। तो गाइज फाइनली हम लोग पेट्रोल पंप अभी आए हैं गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए, क्योंकि फॉरबिसगंज जाना है तो भाई पेट्रोल तो डलाना होगा। गियर कम करो यार, गाड़ी का गियर तुम ज़्यादा कर रहा है। हाँ पहले मेरा तेल डालियो, पहले इसका डालिए। कितना का लेगा गुण? कितना? 120। टंकी फुल मत का, 120 लाइक कमेंट इस भाई साहब के लिए, लाइक कमेंट बनता है क्या हो? और ये भाई साहब कह रहे हैं इसको लाइक कमेंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। कितना का आ रहा तेल? अरे तेलों का भाई कम सम तेल नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है। हो गया गोविंद जी? बिल्कुल हाँ हो जाएगा, इतना में तो चार बार आ जाएंगे। कैमरा फोकस फोकस करो या तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सफर के लिए। क्या गोविंद जी? सफर का मजा लेते रहिएगा आप लोग, वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल सफर का मजा लीजिए आप लोग, सफर का मजा ले लो बबुआ, ठीक बा। चलिए निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जाते जाते यहाँ पे एक पुल था, मतलब छोटा तो नहीं बोल सकते हैं, बड़ा ही पुल था, ठीक है। तो हम और गोविंद जी इधर गाड़ी लगा हुआ है तो रुके थे, तो थोड़ा फोटो वोटो भी यहाँ अच्छा लगा तो शूट कर लिए। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं कि वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये वाइट 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 देख रहे हैं इधर, ये कुछ गाँव का ऐसा सीन होता है, ठीक है, मस्त का लग रहा है। क्या गोविंद जी? उसका नाम मस्त का व्यू है, मतलब काशी बोलते हैं हम लोग का अपना लोकल भाषा में ना गोविंद जी। तो चलिए अब हम बाइक को ड्राइव करते हैं, ठीक है गोविंद जी। अब हम चलाते चलाते थोड़ा थक गए, इसलिए अब तेजपाल भाई ड्राइव करने वाले हैं, अब मैं करने वाला हूँ ब्लॉग शूट। बिल्कुल। अब देखिए तेजपाल भाई आप ड्राइविंग पे बैठ गए हैं, आप ब्लॉग शूट मैं ही करने वाला हूँ। चश्मा भाई पहनने दो। अब तेजपाल भाई भी चश्मा उश्मा लगा लिए है पूरा। हम लोग जो जा रहे हैं फॉरबिसगंज, तो थोड़ा इसका एक लंबा रूट भी है और एक शॉर्ट रूट है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट वाले रास्ते से जा रहे हैं जो कि थोड़ा खराब है, ठीक है। बिल्कुल। तो गाइज गोविंद जी जो अभी आपको बताया है वो रियल बात है, इधर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहिए कंटिन्यू, ओके। तो गाइज अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ा देर में, ठीक है। बाकी रोड बहुत यहाँ का ख़राब है, यहाँ की गवर्नमेंट रोड नहीं बनाती है, तो आप देख सकते हैं इधर कितना डेंजरस रोड है और गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना गोविंद? हाँ बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है यार, इतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं होना चाहिए जितना कि इधर का रोड ख़राब है। देख रहे हैं, हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि ब्लॉग में कि ये जो रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता बहुत ही ख़राब है। देख रहे हैं लगता है चला ही, क्या कहा जाए गोविंद जी इसको,
अरे आप क्या कहा है, चलिए अब आपके मार्केट में मिलते हैं, समझे ना, अभी कोई मुहावरा वगैरह याद नहीं आ रहा है, रखो यार। तो गाइस फाइनली हम लोग फर्गुसन मार्केट पहुंच चुके हैं, ठीक है, अगर हमारे गोविंद जी हैं तो यहाँ भारी जाम लगा हुआ है, ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाने वाला है भी ट्रेन, क्या जाने वाला है गोविंद, ट्रेन जाने वाला है इस कारण से, इसीलिए यहाँ पे जाम लगा हुआ है, ठीक है। गाइस फाइनली जाम खत्म हो गया है, ट्रेन भी जा चुका है, अब हम लोग सभी लोग जा रहे हैं, ठीक है। जंक्शन, तो गाइज हम लोग अभी फॉरबिसगंज जंक्शन पे आए हुए हैं, ठीक है, अगर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, आगे गाड़ी आया हुआ है। तो गाइज चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जिस आदमी को हम यहाँ मिलने के लिए आए हैं और जो काम से आए थे, अब आपको दिखाते हैं, ठीक है, चलिए बने रहिए आप। गाइज अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या गोविंद जी, और वेट कर रहे हैं सर जी का जो हमारे आने वाले हैं, अभी तक नहीं आए हैं, ये गाड़ी में भी वेट किए हम लोग, नहीं आए हैं अभी तक, ठीक है, देखते हैं, बोल रहे हैं कि बस 10 से 15 मिनट में पहुँच रहे हैं, और जैसे पहुँचते हैं उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक। तो दोस्तों अभी भी हम लोग वेट ही कर रहे हैं, हमारे सर जी अभी तक नहीं आए हैं, क्या गोविंद जी, इंतज़ार का घड़ी बहुत ही लंबा ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखते हैं गाड़ी कब तक आती है, तो फिलहाल में आप यहाँ का कुछ मज़ा ले लीजिए, कुछ इस तरीके से है यहाँ का फॉरबिसगंज जंक्शन, ठीक है, और उधर भी कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारे सर जी जो है कि आ गए हैं उधर, गाड़ी अभी जस्ट एक गाड़ी नया आया है, मतलब गाड़ी पुराना है, मतलब अभी आया है, और उससे बात भी हो गई, इधर से जाना होगा, उसने बता दिया है कि उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं वो, हाँ तो जाते हैं उसको ड्रॉप करते हैं, तो चलिए मिलते हैं उससे, ओके। यही वो गाड़ी है जिसमें कि आए हुए हैं, चलिए उनको हम लोग ढूंढते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए लोग में, यही हमारे सर हैं जिनका कि उतना देर से हम लोग वेट कर रहे थे, चलिए अब आ गए हैं, जो काम है इनसे करते हैं, ठीक है। इसको इस नंबर बात कर लीजिएगा, और क्या बोलते हैं उस समय मार्केट में दे देना, इसका नाम अविनाश कुमार, ठीक है, आपका सेंट्रल टेस्टिंग होगा, ठीक है, उसके पीछे ले जाइएगा, इसमें टोटल सबका है, सबका है, दे दीजिएगा, आपको फिर कॉन्टेक्ट कैसे किया, एक आप से ले लीजिएगा, हाँ, और बाकी सब सर्टिफिकेट इस पर बहुत दूर से आए हैं,
सो फाइनली अभी हम लोग होटल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर अभी नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट तो मिल ही गया, उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। तो इधर आ गया स्पंज, हम और सर स्पंज खा रहे हैं, ठीक है। अब बाकी इधर गोविंद जी समोसा खाइए।